चौथे वनडे में मिली करारी हार का बदला लेने के लिए भारतीय टीम उतरेगी पांचवें वनडे मुकाबले में, और इस मुकाबले में भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होगी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो नमस्कार दोस्तों, सीरीज का पांचवा और आखिरी ओडीआई मैच खेला जाएगा 3 फरवरी को वेस्ट पार्क स्टेडियम वेलिंगटन में, जो कि भारतीय समय अनुसार शुरू होगा 7:30 पर AM सुबह यानी कि। तो भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे एक बार फिर शिखर धवन और रोहित शर्मा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। दोनों ने पिछले मैच में कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और काफ़ी जल्दी आउट हो गए थे, इसके चलते भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और मात्र 92 रन पर ऑल आउट हो गई। उम्मीद करते हैं दोनों बल्लेबाज इस बार शानदार शुरुआत देंगे भारतीय टीम को, आखिरी ओडीआई मैच को यादगार बनाएंगे भारतीय टीम की जीत के साथ ही। वहीं पर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आते हैं टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में। नंबर 3 पर शुभमन गिल, नंबर 4 पर MS धोनी और नंबर 5 पर रायडू और कार्तिक में से कोई एक बल्लेबाज खेलता हुआ नजर आएगा। शुभमन गिल को यहाँ पर चौथे T20 ODI में डेब्यू करने का मौका मिला था और उम्मीद करते हैं उन्हें अगला एक और ODI खेलने को ले दिया जाएगा। वहीं पर रायडू और कार्तिक दोनों शून्य पर आउट हुए थे चौथे ODI में, तो इनमें से किसी एक को ही यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी की वापसी होगी क्योंकि वो चोट के चलते बाहर थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट है तो पाँचवें वनडे में महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। अब ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में केदार जाधव और हार्दिक पांड्या दोनों खेलेंगे, लेकिन अब फिलहाल दोनों अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। दोनों ने ज़्यादा रन बनाए नहीं और ना ही ज़्यादा विकेट चटकाए हैं, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इस पाँचवें और आखिरी ODI में एक शानदार प्रदर्शन करके अपने आप की वर्ल्ड कप में मजबूती पेश करेगी। ये दोनों का भी शानदार फॉर्म है और वर्ल्ड कप में कमाल करने वाले हैं इस तरह से। वहीं पर बॉलरों की बात करें तो यहाँ पर युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद या फिर मोहम्मद शमी में से कोई एक खेलेगा। शमी को पिछले मैच में आराम दिया गया था, लेकिन हो सकता है उन्हें वापस खिला लिया जाए आखिरी वनडे में। तो यहाँ पर इन्हीं खिलाड़ियों के साथ उतरेगी भारतीय टीम। युजवेंद्र चहल पिछली बार सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे जिन्होंने 18 रन बनाए थे भारत की तरफ से, लेकिन उम्मीद करते इस बार गेंदबाजी से सबसे शानदार प्रदर्शन करें और सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बने। तो यहाँ पर देखने वाली बात है गेंदबाज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं गेंदबाज और इन्हीं ने मैच जिताते हुए लगातार आ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेते हैं, जिनमें आएंगे रोहित शर्मा कैप्टन, शिखर धवन वाइस कैप्टन, शुभमन गिल, MS धोनी विकेट कीपर, कार्तिक और रायडू में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा। वहीं पर केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद और मोहम्मद शमी में से कोई एक प्लेयर हमें खेलता हुआ नजर आएगा। तो यही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होने वाली है पांचवें और आखिरी ODI मैच में, जो कि काफ़ी शानदार मैच होने वाला है। यहाँ पर एक बार फिर उम्मीद करते हैं यहाँ पर भारतीय टीम इस आखिरी ODI मैच को जीतकर सीरीज को 4-1 से जीते। वहीं पर न्यूजीलैंड 3-2 से इस सीरीज को ख़त्म करना चाहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं और कौन सा खिलाड़ी को टीम में जगह मिलने की बजाय ये भी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।